हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। ये देखिए मैंने आइसक्रीम स्टिक के अच्छा डेक ऑर्गेनाइजर बनाया। आप देख सकते हैं काफी स्ट्रॉन्ग भी बनाया है। चलिए देखते हैं कैसे बनाया है। बहुत ही सिंपल है। आज हम ड्रेसिंग टेबल के लिए ऑर्गेनाइजर बनाने वाले हैं, जिसके लिए हमें चाहिए आइसक्रीम स्टिक MDF स्क्वायर, जिसे मैंने 7 से 7 इंचेस में कट कर लिया है, हाफ बीट्स। साथ ही इसे बनाने के लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पॉलीफिक्स कॉम्बो किट का। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम MDF को लेंगे। इस पर हम आइसक्रीम स्टिक को कुछ इस तरीके से लगाएंगे। पर इसे चिपकाने के लिए हम यूज़ करेंगे पॉलीफिक जेल ग्लू का। ये अदर ग्लू से काफ़ी गाढ़ा होता है और ये मुझे क्राफ्ट के लिए काफ़ी अच्छा लगता है। ये इजीली आपको फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन से मिल जाएगा। पॉलीफिक जेल ग्लू लगाएंगे। साथ ही साथ ग्लू को जल्दी ड्राई करने के लिए यहाँ पर हम पॉलीफिक स्प्रे एक्टिवेटर को स्प्रे करेंगे। इसे हम ऐसे ही करते जाएंगे। करीबन हमें 2 से 2.5 इंच तक इसको करना है। इसी तरीके से मैंने आइसक्रीम स्टिक के हेल्प से और भी काफी सारे क्राफ्ट किए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये देखिए ये हो चुका है। इसे चाहे तो आप पेंट भी कर सकते हैं, बट मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है तो मैं इसे ऐसे ही रहने दूंगी। इसे हम थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे। ये देखिए देखिए, ये हमारा ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजर बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं काफी अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से आप भी बना सकते हैं। ये देखिए हमारा डेस्क ऑर्गेनाइजर बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये मैंने आइसक्रीम स्टिक की हेल्प से बनाया है। इसी तरीके से मैंने आइसक्रीम स्टिक की हेल्प से और भी काफी सारे क्राफ्ट किए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरीके की और भी वीडियोस के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।